हेलो फ्रेंड्स, अनूज इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले और भटूरे। तो आइए जानते हैं छोले और भटूरे बनाने की रेसिपी। मैंने यहाँ पर ये व्हाइट वाले छोले लिए हैं और ये चाय पत्ती का पानी मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया है इसमें डालने के लिए। और मैं ये एक तेज पात का पत्ता डालूंगी, ये दालचीनी और ये बड़ी वाली इलायची। ये सभी चीजें हमें डाल के इसको बॉईल करना है। छोले के मसाले के लिए मैंने यहाँ पर दो ये मैंने लहसुन लिए हैं और दो बड़ी प्याज लिए हैं, दो बड़े टमाटर और दो बड़ी मैंने हरी मिर्च लिए हैं। इन सभी को हमें ग्राइंड करना है मसाले के लिए। हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं इतना हम अपने भटूरों का मैदा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने दो बाउल मैदा लिया है, ये दो बाउल मैंने मैदे के लिए हैं। और इसमें मैं एक बड़ा स्पून आटा डाल रही हूँ इसलिए ताकि हमारे भटूरे जो है क्रिस्पी आए। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच हमें चीनी लेनी है और आधा चम्मच हमें नमक लेना है और एक कटोरी मैंने यहाँ पर दही लिया है। इन सबको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। भटूरों का मैदा मारने के लिए हमें गुनगुना पानी की आवश्यकता होगी, तो हमें गुनगुना पानी ही चाहिए होगा। ये देखिए हमारा ये इस तरह से मैदा रेडी हो गया है और हमें इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देना है। ये देखिए मेरे ये चने बॉईल हो गए हैं, ये देखिए ये। और मैंने यहाँ पत्ती के पानी में इसलिए बॉईल किए हैं ताकि कि इसमें पत्ती के पानी की खुशबू ना आए। और मैंने इसमें ये साबुत जो है ये गरम मसाले डाले हैं ताकि इसमें खुशबू बनी रहे। मैंने ये कुकर में तेल पहले से ही गरम कर लिया है। अब मैं इसमें हींग डालूंगी, एक स्पून जीरा और ये एक स्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ये रेड चिली पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर। अब हमें पिसे हुए मसालों का ही यूज करना है। और अब मैं पिसा हुआ जो प्याज है वो डालूंगी और ये हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो ये मसाले में हम भूनेंगे। टमाटर की प्योरी और इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। और हमारी मसाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अब ये छोले जो मैंने बॉईल किए थे इसमें डाल दूंगी। बस अब हम इसमें 1 या 2 विसिल दिलाएंगे और हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे छोले रेडी हो गए हैं, कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी और ये हरी मिर्च डाली है मैंने, चॉप की हुई अदरक ली है। और हम अपने छोले के ऊपर से डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो ये हमारे छोले देखिए रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब हम अपने भटूरे की तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने ये भटूरे के सारे ये गोले बनाकर रख लिए हैं। हमें भटूरा बेलने के लिए सूखा मैदा नहीं लगाना है, ऑयल लगाना है, हमारा भटूरा तभी अच्छा आएगा। ये मैंने रेडी कर लिया है। देखिए मैं इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा फूला है। मैंने इसको थोड़ा सा ही बेला और मैंने हाथ से इस तरह किया है, तो आप चाहे पूरा भी बेल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा भटूरा आया है, देखिए। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे छोले भटूरे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लग रहे हैं। तो आप भी बनाइए और घर में खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।